नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 11 मार्च। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई होली। बीते मंगलवार को बड़े ही धूमधाम के साथ होली मनाई गई, जहां पूरे दिन लोग रंगों में सराबोर नजर आए। साथ ही साथ शाम ढलते ढलते अबीर और गुलाल के साथ नजर आए। इतना ही नहीं, पूरे दिन हर वर्ग के लोग बड़े ही जोश और हर्षोल्लास के साथ रंगों के इस त्यौहार को मनाते नजर आए। BSNL तेलंगाना ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए निकाली रिक्तियां। BSNL तेलंगाना ने हाल ही में ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कुल मिलाकर 100 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 12 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। गया के तिब्बती मठ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तिब्बती मठ बोध गया पर्यटन के सबसे बड़े आकर्षण में से एक है। यह बोध गया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है और इसमें बड़ी संख्या में प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ और दस्तावेज मौजूद है। मंदिर को सजाने वाली बुद्ध की एक मूर्ति भी है। मठ के भीतर एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर किताबें हैं। अब आइए जानते हैं बिहार की जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह के बारे में। बॉलीवुड से लेकर तेलुगु फिल्मों में हमने इनकी प्रतिभा को देख रखा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभिमन्यु सिंह का भी जन्म बिहार के सोनपुर क्षेत्र में हुआ था, जबकि उन्होंने अपनी पढ़ाई नई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में साल 2001 में अपना पहला कदम रखा था, लेकिन फिल्मों की दुनिया में उन्हें सबसे पहला ब्रेक साल 2009 में अनुराग कश्यप की गुलाल फिल्म से मिला। 20 से 22 मार्च तक राजगीर में भाजपा करवाएगी अपना प्रशिक्षण शिविर। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी क्रम में जदयू और राजद के बाद अब भाजपा भी अपने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवाने जा रही है, जहां पर 20 से 22 मार्च तक भाजपा के वरिष्ठ नेता सभी नेताओं को चुनाव के समय में नियमों को मानने की सलाह देने के साथ साथ अनुशासन का भी पालन करने की अपील करेंगे। भाकपा माले की बिहार यात्रा 23 मार्च को। देश में अभी CAA और NRC का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर लगातार विरोध जारी है। वहीं अब भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी चुनावी साल में NRC के मुद्दे का विरोध करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 23 मार्च से बिहार का दौरा करने जा रही है, जो अप्रैल महीने तक जारी रहेगा, जहां भाकपा बिहार के हर जिले में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों की असलियत बताएगी। बिहार के 6 जिलों में बिछेगी रसोई गैस पाइपलाइन। सहरसा सहित 6 जिलों में 368 किलोमीटर की दूरी में रसोई गैस पाइपलाइन बिछाने का रास्ता साफ हो गया है। खबरों की माने तो पाइपलाइन बिछाने के लिए जियोटेक्निकल और टोटल स्टेशन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही मिट्टी जांच की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सब कुछ ठीक रहा तो पाइपलाइन बिछाने का काम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 2022 तक कर लेगा। बिहार दिवस का आयोजन होगा पटना के गांधी मैदान में। 22, 23 और 24 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का आयोजन इस बार पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। इसको लेकर फैसला ले लिया गया है। खबरों की माने तो आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी जिलों के SRC, KRP तथा जिले के कला टीम के 12 कलाकार भाग लेंगे, जो बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी कला प्रस्तुत करेंगे। जदयू के बाद अब राजद करने जा रहा है प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। जदयू नेताओं के प्रशिक्षण देने के बाद अब बारी राजद की है, जिसके तहत राजद सरकार 14 और 15 मार्च को राजगीर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राजद अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासित बनाने की योजना पर काम करेगी। मार्च के अंत तक नए डॉक्टर्स की होगी बहाली। बिहार के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की समस्या का निदान जल्द से जल्द किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि विभाग की तरफ से डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है और मार्च के अंत तक इस प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को अच्छी तरह समझ रही है और चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर रही है। अखबारों के बाद अब होर्डिंग्स में छाई पुष्पम प्रिया चौधरी। अखबारों के बाद अब होर्डिंग्स में छाई पुष्पम प्रिया। पुष्पम की तस्वीर पटना की सड़कों पर दिख रही है। पोस्टर भी वही जो कल पटना के सभी अखबारों में पहले पन्ने पर थी। बिहार में छपे विज्ञापन के बाद अब पुष्पम के नाम की चर्चा हो रही है। पुष्पम ने अपने पोस्टर और विज्ञापन से अपने आप को बिहार के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। बिहार के लोग आयुष्मान भारत का लाभ राशन कार्ड के आधार पर ले सकेंगे। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के डाटाबेस को राशन कार्ड धारकों के डाटाबेस से जोड़ दिया है। अब लाभार्थियों को अपना इलाज कराने के लिए गोल्डन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि आयुष्मान योजना के जिन लाभार्थियों को यह पता नहीं है कि ये योजना के लाभुक है या नहीं, वे अपने राशन कार्ड के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं।
उत्तर बिहार के साथ साथ चार जिलों में लीची की बागवानी के लिए तैयारियां हुई शुरू। बिहार सरकार के उन्नति प्रोजेक्ट के तहत चार जिलों में 52 एकड़ भूमि में लीची की बागवानी करने का फैसला लिया गया है। कोका कोला और देहात ने एक साथ आकर उन्नति प्रोजेक्ट के तहत लीची विकास को लेकर उत्तर बिहार के साथ मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण जिले को शामिल किया है। रेलवे ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ 3.5 घंटे में बनाया अंडरपास। सहरसा मधेपुरा रेलखंड पर रेलवे ने सप्ताह भर में अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है, जिसके तहत रेलवे ने महज 3.5 घंटे के अंदर अंडरपास का निर्माण कर दिया है, जो कि कमाल सहरसा मधेपुरा रेलखंड के मिठाई के पास फाटक संख्या 94A के पास बनाया गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, NH 107 पर आम नागरिकों को जाम से निजात दिलवाने के लिए 4 अंडरपास बनाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में 15 रुपए वाला मास्क मिल रहा है 90 रुपए में। कोरोना का असर अभी बिहार में देखने को नहीं मिला है, मगर लोगों ने बचाव का रास्ता अपनाते हुए मास्क, ग्लव्स की खरीदारी शुरू कर दी है। वहीं कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो मास्क के बढ़ते मांग को देखते हुए अब इन सामानों को 4 गुनी ज्यादा बोली लगाने लगे हैं, जिसके तहत बिहार में 15 रुपए में मिलने वाला मास्क की कीमत 90 रुपए की हो गई है। हालांकि सरकार ने सभी नागरिकों से कोरोना को लेकर भ्रमों पर यकीन न करने की अपील की है। सभी यस बैंक उपभोक्ताओं को हो रही है अब कैश की समस्या। होली को लेकर सभी बैंक की शाखाएं तो बंद रहेगी, मगर यस बैंक के उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शाखा बंद होने के कारण सभी उपभोक्ता दिन भर ATM के चक्कर लगाते रहे, मगर उन्हें कैश नहीं मिली। अब यस बैंक के ATM से कैश भी खत्म होने लगा है, जिससे कि आम नागरिकों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। अप्रैल महीने में सभी पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई की कवायद होगी तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अप्रैल महीने से राज्य के सभी पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई की शुरुआत के ऐलान के बाद अब शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री के इस आदेश को जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद में होली के बाद से जुटने वाला है। हालांकि वर्तमान में चिन्हित सभी मध्य विद्यालयों में वर्ग कक्ष समेत अन्य संरचनाओं का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। कोरोना के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस महीने के सभी कार्यक्रम हुए कैंसिल। कोरोना के बढ़ते असर से सबकी दिनचर्या और कामकाज प्रभावित हो गए हैं। इसी क्रम में कोरोना के फैलने के लक्षण को देखते हुए मार्च महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले लगभग सभी कार्यक्रमों को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके तहत लखीसराय में 15 मार्च को होने वाले बाईपास के उद्घाटन भी टल गया है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की एक सीट के लिए है 11 उम्मीदवार। राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। इसी क्रम में अब भाजपा की 2 सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। भाजपा की हाल ही में कोर कमेटी की बैठक से यह साफ हुआ कि भाजपा के खेमे की हर सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में उतरने को तैयार है, जिससे कि अब भाजपा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। लंदन से लेक्चरर की नौकरी छोड़ गांव में रेशम की खेती में जुटी मधुलिका। महात्मा गांधी के मिशन से प्रभावित मधुलिका ने लंदन की जिंदगी को छोड़कर गांव आकर बसने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, मधुलिका ने तो अपने गांव आते ही रेशम ट्री की खेती का सिलसिला शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस अनोखे पहल से गांव की कई महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया, जिसके बाद से कई लोग उन्हें रेशमी गर्ल के नाम से जानने लगे। 13 मार्च तक हो सकती है बारिश। ठंड का असर भले ही खत्म हो गया हो, मगर बारिश और नमी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बिन मौसम बरसात का यह सिलसिला यही नहीं थमने वाला, बल्कि मौसम विभाग के अनुसार 13 मार्च तक बारिश के आसार कई जगहों पर ऐसे ही बने रहने वाले हैं। मौसम विभाग की माने तो बिहार के विभिन्न जिलों में 13 तक बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ जगहों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है। ICC ने किया महिला T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान। ICC ने महिला T20 वर्ल्ड कप के समापन के बाद T20 टीम की घोषणा की है, जिसके तहत ICC ने अपने टीम में 5 बार T20 की विजेता रह चुकी ऑस्ट्रेलिया टीम की 5 खिलाड़ियों को जगह दी है। इतना ही नहीं, ICC ने पूनम यादव को भी अपनी टीम में शामिल किया है। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाज पूनम यादव ने इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 विकेट लिए हैं। यस बैंक धारकों के लिए खुशखबरी, हट सकती है पैसे निकासी की सीमा। यस बैंक खाता धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक बहुत जल्द यस बैंक के खाता धारकों को 50,000 रुपए निकासी की लिमिट को बहुत जल्द खत्म कर सकती है। बताया जा रहा है कि RBI बहुत जल्द पैसे निकालने पर लगी रोक हटा सकती है। आपको बता दें कि RBI ने 3 अप्रैल तक 50,000 रुपए निकालने की लिमिट तय की थी। फिलहाल ग्राहक अपने खाते से 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। खरौजा गाँव में अपने आने वाली फिल्म की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंची सारा अली खान। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के इलिया क्षेत्र के खरौंजा गांव में चल रही फिल्म अतरंगी रे की रिकॉर्डिंग में शामिल होने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान पहुंच चुकी हैं। अमोद नारायण सिंह के बंगले पर फिल्म की रिकॉर्डिंग आने वाले 7 दिनों तक चलने वाली है। सारा पर इस गाँव की हवेली में दृश्य फिल्माया जाएगा। सारा के साथ इस फिल्म में अक्षय कुमार और धनुष भी है।
कोरोना को देखते हुए एसीटी फाइबरनेट ने दिया 300 एमबीपीएस मुफ्त। कोरोना के चलते कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले का समर्थन करते हुए ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एसीटी फाइबरनेट ने अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स की इंटरनेट स्पीड को 300 एमबीपीएस तक बढ़ा दिया है। साथ ही यूजर्स 31 मार्च तक बिना एफयूपी के अनलिमिटेड डेटा भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनमें है विकी कुमार, पीयूष सिंह, दरोगा कुमार, राकेश वर्मा, सुरेंद्र कुमार, रजनीश कुमार, कैलाश ठाकुर, आलोक कुमार, रवि किशन, संदीप कुमार, दीपेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सभी दुकानदारों द्वारा कोरोना के नाम पर मास्क के दाम में की गई बढ़ोतरी कितनी सही है कितनी नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।